हेलो फ्रेंड, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकमेक ट्रेनिंग। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से G04 यानी डवल टाइम के बारे में विस्तार से जानेंगे। फ्रेंड, डवल टाइम का यूज हम लोग CNC मिलिंग मशीन या CNC टर्निंग मशीन पे करते हैं। फ्रेंड, डवल टाइम का यूज हम लोग रिमिंग तथा बोरिंग ऑपरेशन में यूज करते हैं। डवल टाइम का कोड G04 होता है। फ्रेंड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी हम लोग कोई प्लेट पे रिमार ऑपरेशन करते हैं फ्रेंड, तो उसमें क्या है कि रिमार जो है, सपोज दैट 40 मिलीमीटर डेप्थ तक जाना है, तो रिमार 40 मिलीमीटर डेप्थ तक जाने के बाद कुछ सेकंड तक वहाँ पे रुकेगी, ठीक है फ्रेंड, या फिर कुछ मिली सेकंड तक वहाँ पे रुकती है। वो क्या है कि मुझे डिफाइन करना पड़ता है प्रोग्राम पे कि मुझे कितना सेकेंड तक वहाँ पर रुकवानी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर रिमार को जो है रोकते हैं। रिमार को रोकने का मतलब यह है कि मेरा जो सरफेस फिनिश है उसमें किसी तरह का कोई मार्क ना आए, ठीक है फ्रेंड। सेकेंड थिंग से सरफेस फिनिश जो है गुड अचीव हो, बढ़िया अचीव हो, इसलिए हम कुछ देर तक जो है रिमार को रोकते हैं। हम लोग बोरिंग ऑपरेशन का केस में भी डबल टाइम का यूज कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला जो है वो है G04X1.0। फ्रेंड, यहाँ पे X लिखे हुए हैं, ठीक है। X का मतलब होता है जो टाइम हम दे रहे हैं वो सेकेंड पर दे रहे हैं, यानी एक सेकेंड के लिए हम रिमिंग ऑपरेशन करने के बाद जब रिमार नीचे चली जाती है डेप्थ पे, उसके बाद जो है कुछ सेकंड तक रोकती है, तो ये जो है 1 सेकंड तक ही रुकेगी रिमार, तो इसलिए हम लोग G04X1.0 लिखे हुए हैं। सेकंड लाइन पे देखिए G04U1.0, इसका मतलब ये है फ्रेंड, इसमें भी यू से हम सेकंड को ही डिनोट कर रहे हैं, इसमें भी जो है हम 1 सेकंड के लिए रिमार को रोक रहे हैं। नेक्स्ट है G04P1000। फ्रेंड, टाइम इन मिली सेकेंड, यानी 1000 मिली सेकेंड में 1 सेकेंड होता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे P1000 लिखा हुआ है। इससे भी क्या है कि हम 1 ही सेकेंड तक जो है रिमार को रोक रहे हैं, या फिर बोरिंग ऑपरेशन करने के बाद बोरिंग टूल को वहाँ पे रोक रहे हैं, ताकि सरफेस पे किसी तरह का कोई मार्क ना आए और सरफेस फिनिश अच्छा अचीव हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जाने कि G04 का यूज कैसे किया जाता है रिमिंग तथा बोरिंग ऑपरेशन में। G04 का मतलब डबल टाइम होता है, तो किस तरह से जो है यूज करते हैं इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जाना। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी हो फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दें। इस वीडियो को शेयर करें और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल सके। धन्यवाद।